अब हम इसमें जो बात करने वाले हैं वह है दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल। यहाँ पर बच्चों हमने दोनों ही धारावाही चालक जो इनमें करंट बह रही है और ये सीधे हैं और बहुत अनंत लंबाई के हैं। चालक नंबर वन इज द फर्स्ट चालक एंड दिस इज सेकेंड चालक। इसमें धारा आई वन बह रही है और इसमें धारा बह रही है आई टू। इनके मध्य की दूरी मान लेते हैं आर। अब क्योंकि चालक प्रथम चालक में धारा बह रही है और जब भी कोई चालक में धारा बहती है तो आप जानते हैं स्ट्रेट अगर वो चालक है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से, अगर मैं चालक के तल के लंबवत तो इस प्रकार से वो लूप जैसे उसके चुंबकीय क्षेत्र के बनते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए राइट हैंड का लॉ का इस्तेमाल करते हैं। करंट अगर ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से ऐसे चारों ओर को ऐसे बनेगा गोल गोल। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी समझ में ये आ रहा है। देखिए इस प्रकार से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यह है कि अगर कोई चालक धारावाही हो तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से गोल गोल मैंने आपको दिखाया है। तो इसी प्रकार से इस चालक के भी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन गया होगा और इस चालक के भी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन गया होगा। एक बात। दूसरी बात कि जब किसी चालक में करंट बहती है, अगर ये अनंत लंबाई का चालक है तो इससे आर दूरी पर मिडिल में, मान चालक तो अनंत लंबाई का है तो बीच में चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हमने पूर्व के वीडियोस में निकाला हुआ है कि वो लगभग म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई बट्टे आर होता है। इस सूत्र का भी इसमें प्रयोग होना है तो इसको आप समझ लीजिए। यानी कि इस चालक से इसमें करंट आई बह रही है, इससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर को होगा, एक तो अंदर को होगा और उसका सूत्र ये होगा। कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा कि इस सूत्र का हम वहाँ सीधे प्रयोग करते हैं। ये जो है अगर अनंत लंबाई का चालक है तो उस चालक के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो आप इसको जो है अब देखिए, ये जो चालक है आई वन, इसमें धारा बह रही है आई वन, तो इसके कारण ये आर दूरी पर यहाँ पर प्रत्येक इस बिंदु पर ये वाला जो चालक है आई टू, ये एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जो कहाँ को है, अंदर को, और वो चुंबकीय क्षेत्र किसका है, इसका चुंबकीय क्षेत्र है। आई वन प्रथम चालक का चुंबकीय क्षेत्र तो उसको बी वन से मैं दिखाता हूँ और ये कितना होगा बच्चों, म्यू नॉट बट्टे टू पाई, यहाँ पर हमने निर्वात माना है और आई वन बट्टे आर। मैं समझ रहा हूँ आपकी ये बात समझ में आ गई है कि इस चालक के कारण यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर को है क्योंकि वो प्रथम चालक के कारण है, इसलिए मैंने इसको बी वन कहा है। अच्छा, अब ये जो पूरा चालक है आई सेकेंड चालक, इसमें धारा बह रही है आई टू और ये किस चुंबकीय क्षेत्र में है, इसमें। और हमने अभी जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा है कि अगर चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा, ठीक है। अगर अगर मैं इसको ऊपर से यहाँ से साइड से देखूं ऐसे तो ये मुझे इस प्रकार से दिख रहा है और अगर मैं इसको तिरछा देखूं तो इस प्रकार से दिखेगा। ऐसे चालक है जिसमें आई टू करंट बह रही है और ये चुंबकीय क्षेत्र नीचे को है,
इसमें हर जगह पर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ये। तो इस चालक पर अब चुंबकीय बल लगेगा, जिसका सूत्र अभी हम चुंबकीय बल का सूत्र, अगर कोई एल लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो आई बी एल साइन थीटा सूत्र लगता है, जहां पर थीटा आई एल और बी के बीच का एंगल है। यहां पर आई एल आई टू एल है ऊपर को, और जो बी वन है चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, यानी कि आई टू एल और बी के बीच में, बी वन के बीच में 90 अंश का कोण है। इसलिए इस चालक की अगर मैं एल लंबाई ले लूं यहां से यहां तक, एल लंबाई, इस एल लंबाई में कितना बल लगेगा? एफ, ये क्योंकि सेकंड चालक पे लग रहा है बल, इसलिए एफ टू वन इसको मैं कहूंगा। तो एफ टू वन बराबर क्या हो जाएगा? आई टू एल इंटू बी वन इंटू साइन 90, और जो है लास्ट में फिर हो जाएगा आई टू एल बी वन एफ टू वन। और अगर मैं एल को इधर ले आऊं, एफ टू वन अपॉन एल, ये हो जाएगा आई टू इंटू बी वन। और आई टू बी वन की वैल्यू अभी हमने लिखी, बी वन जो यहाँ पर बी वन है ये है म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई वन अपॉन आर, ये अगर मैं यहाँ रख दूँ तो हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई वन आई टू अपॉन आर, यानी कि आपका जो एफ टू वन अपॉन एल है इसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू अपॉन आर। तो इस चालक की ये एफ टू अपॉन एल, माने इस चालक की हर एकांक की लंबाई अगर मैं ले लूँ तो उस पर जो बल है वो इतना लगेगा। और किधर को लगेगा? बल की दिशा हम लेफ्ट हैंड से निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय अंदर को है और धारा ऊपर को, तो बल की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से इधर को रहेगी, एफ टू वन बट्टे एफ टू वन की डायरेक्शन जो है वो इधर को होगी। अब आते हैं प्रथम चालक पर। प्रथम चालक द्वितीय चालक के चुंबकीय क्षेत्र में है, तो द्वितीय चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र, धारा ऊपर को बह रही है राइट हैंड से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, तो यहाँ पर चुंबकीय बाहर को होगा, और बाहर को हम डॉट से दिखाते हैं, तो यानी कि ये पूरा चालक डॉट का माने लंबवत बाहर को, और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो द्वितीय चालक का चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर भी म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई टू अपॉन आर होगा। और क्योंकि अब ये वाला चालक इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, और यहाँ भी आई वन एल, इसकी भी मैं एल लंबाई ले लेता हूँ, आई वन एल और चुंबकीय क्षेत्र इसमें बाहर को है और आई वन एल ऊपर को है, तो इनके बीच भी अच्छा 90 अंश का कोण आपको मिलेगा। तो अगर मैं एफ ऑन वन यू टू टू निकालू, यह आ जाएगा आई वन बी टू एल और साइन 90 अंश, और इसको मैं हल करते जाऊंगा बिल्कुल उसी भांति, आ जाएगा लास्ट में एफ वन टू बट्टे एल बराबर आई वन आई टू म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई वन आई टू अपॉन आर।
इस बल की दिशा भी देखिए, लेफ्ट हैंड से बल की दिशा निकलेगी, राइट हैंड से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बी है बाहर को और धारा है, करंट है ऊपर को, तो बल इधर की ओर को लग रहा है, यानी कि इस साइड। एफ वन, तो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एंटायर टॉपिक। अब हम इसमें लिख सकते हैं यही बात जो हमने बताई। माना दो, माना दो सीधे, माना दो सीधे समांतर और लंबे, समांतर व लंबे चालक परस्पर स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। यदि उनमें क्रमशः I1 व I2 धाराएं प्रवाहित हैं, तब यदि उनमें धाराएं I1 और I2 प्रवाहित हैं, तब इसके लिए द्वितीय चालक प्रथम द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में होगा, जिसका मान ये। B1 बराबर प्रथम द्वितीय चालक प्रथम द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में होगा, जिसका मान ये द्वितीय चालक की। अब द्वितीय चालक की n लंबाई पर बल, द्वितीय चालक की l लंबाई में बल यहां से हम जब लिख रहे थे तो यहां से हम गए उधर और यहां से हम आए नीचे, यहां से हम गए ऊपर, य
यहाँ द्वितीय चालक में बल लिए फिर सीधे नीचे यहाँ तक हम आ जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर यहाँ से हम सीधे इधर आएंगे, इसी प्रकार प्रथम पर बल तो आप देख रहे हैं बल दोनों बराबर आ रहे हैं, बल दोनों बराबर है। बस दिशाएं एक दूसरे की ओर हैं। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात आपने देखी होगी, हमने दोनों चालकों में धारा की दिशाएं एक ही ओर ली है। अगर धाराएं विपरीत दिशा में होंगी तो यहाँ पर हम आप फ्री इसको कर सकते हैं। यदि चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो तब बल F12 हुआ F21 प्रतिकर्षित करते होंगे, यानी कि F12 अभी इधर को एक दूसरे आकर्षित कर रहे हैं, ये पे बाहर की ओर को लग जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कई बार ये पूछा जाता है और बहुत सरल भी है। थोड़ा सा ये जंबल्ड अप हो गया है इस पूरे बोर्ड में, तो आप क्योंकि वीडियो है सीरियल बनना होता है तो आप इसमें इसको बैक करके देख सकते हैं कि कौन सी लाइन के बाद कौन सी लाइन मैंने लिखी है। अब जब आप इसको लिखेंगे तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वहाँ से चलेंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ के बाद आप यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से आप नीचे आएंगे इस प्रकार से, तब आप इस टॉपिक को कर लीजिएगा, अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे लैंग्वेज इसमें अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ये पूरा इसमें मार्क्स बोर्ड के एग्जाम्स में मिलते हैं, तो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हम अगले वीडियो में जो मैं एक एम्पियर करंट की जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है, एक तो एक एम्पियर की परिभाषा है कि अगर एक कूलम आवेश एक सेकेंड तक बहता है किसी चालक से तो उससे एक सेकंड में बह जाता है तो करंट की जो मान होता है वो एक एम्पियर होता है, ठीक है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा इस सूत्र के आधार पर निकलती है। देख लीजिए, इस सूत्र को देख लीजिए कि अगर दो धारावाही चालक है r दूरी पर हैं और दोनों में अगर सीधे समांतर है, दोनों में I1 I2 बह रही है तो दोनों चालकों में प्रति एकांक लंबाई जो बल उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में इनके आपस के चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो μ0/2πI1I2/r होता है। तो इसी के आधार पर हम एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी ये मैं अगले वीडियो में आपको भेजूंगा, और तब तक आप इसको बड़ी भांति समझ के और इसको आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। बोर्ड के लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके काम आएगा।